हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SEO पाठशाला एंड दिस इज अभय सक्सेना। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है INP इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेज। ये एक न्यू कोर वेब वाइटल्स है जो कि मार्च 2024 को इंट्रोड्यूस होगा। और ये कोर वाइटल जो कि न्यू कोर वेब वाइटल INP है, ये FID को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। और अगर आपने देखना शुरू करा हो, ये हमारी गूगल्स की एल्गोरिथम कुछ आई हैं जिसमें कि ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल में INP का फीचर ऑलरेडी अब दिखने लग गया है, INP स्कोर ऑलरेडी अब आने लग गया है। और ये मार्च 2024 में कम्प्लीटली रोल आउट हो जाएगा और ये FID को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। INP इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेज लाइक्स अदर कोर वेब वाइटल्स, जैसे कि हमने देखा था LCP, FID एंड CLS सबके एक स्कोर हुआ करते थे, आइडियल स्कोर हुआ करते थे। लाइक INP इंट्रैक्शन टू नेक्स्ट पेज का भी एक आइडियल स्कोर है 200 मिली सेकेंड टू 500 मिली सेकेंड। अगर हमारा INP स्कोर लेस देन 200 मिली सेकेंड होता है तो ये एक आइडियल स्कोर है और इसमें हमें कोई इश्यूज नहीं दिखेंगे गूगल सर्च कंसोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हमारा स्कोर 200 एंड 500 मिली सेकेंड के बीच में भी लाई करता है तो भी वार्निंग्स होंगी, इट मीन्स कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 500 मिली सेकेंड से अबव होता है तो ये बैड INP स्कोर काउंट होता है और इसमें फिर हमें सीरियसली अपने वेब पेज पे काम करना पड़ेगा कि भाई हम INP को लेस देन 200 मिली सेकेंड लेके आएँ या 200 तक तो लेके आएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं INP स्कोर काउंट इन पॉइंट से किया जाता है, लाइक बटन क्लिक, टैब क्लिक, मेन्यू सेक्शन रिस्पॉन्सिवनेस, सब मेन्यू सेक्शन अपीयर टाइम, स्लाइडर लोडिंग टाइम एंड पेज स्क्रोल टाइम। तो हम चलते हैं, लाइक ये हमारी एक वेबसाइट है, फर्ज कीजिए अगर मैं पेज स्क्रोल की बात करता हूँ, कई बार आपने देखा होगा माउस से स्क्रोल कर देते हैं लेकिन हमारा पेज उतनी जल्दी स्क्रोल नहीं हो पाता। लेकिन ये देखिए, ये पेज जैसे ही मैं स्क्रोल कर रहा हूँ ये पेज प्रॉपर्ली स्क्रोल हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो स्क्रोल पार्ट अगर देखा जाए INP का, विच इज़ गुड, विच इज़ अराउंड 100 मिली सेकेंड और लेस देन 200 मिली सेकेंड। वैसे ही अगर हम किसी भी मेन्यू सेक्शन पर जाते हैं, लाइक मैं सर्विस पे गया, इस मेन्यू पे गया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इस पे होवर किया तो सब मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो गया विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट मीन्स इसका भी INP स्कोर अच्छा है। लाइक अगर हम कोई भी टैब पे क्लिक करते हैं, लाइक इस पे इसको क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लिक, ये रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बहुत अच्छी है। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे हमें नेक्स्ट स्लाइड्स दिखाता जा रहा है। सेम अगर मैं इस ओपन करता हूँ और ये देखिए, इसमें इसने बहुत कम टाइम लिया, इसका मतलब इसका INP स्कोर अच्छा है। अगर मैं नेक्स्ट वेबसाइट पर जाता हूँ, लाइक सेम अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और ऑटोमेटिकली पेज ओपन होता है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब इसका INP स्कोर अच्छा है। सेम गोज विद दिस, समटाइम्स आपने देखा होगा कि हेडर पार्ट में बहुत ज़्यादा स्लाइडर्स होते हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्लाइडर हमारा ऑटोमेटिकली अपीयर हो गया। लेकिन कई बार कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि हम उन पे क्लिक करते हैं और उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आती है, मतलब वो रिस्पॉन्स करने में टाइम लेता है। जो वो टाइम लेता है वो हमारा INP स्कोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा INP स्कोर और हम इन चीज़ों से इसको मेज़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने पहले ही टॉपिक पे पहले ही लिखा हुआ है व्हाट इज़ INP। मैं आज आपको केवल बताना चाह रहा था कि INP होता क्या है, INP किन वजह से होता है और INP का आइडियल स्कोर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे हाउ टू रिजॉल्व INP इश्यूज। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इशू है, कुछ आपको लगता है, डाउट है जो मैंने अभी आपको बताया है INP के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।